नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्राड़म नमो लोय सब सावड़म ऐसो पंच नमोकारो सब पापा पणासनो मंगलाड़म च सभ्य से पद्म हवई मंगलम नमो जिनाड़म। प्रथम तीर्थंकर भगवान शबदेव की जय। अब तक हमने उपासक दशांत सूत्र में वर्णित 9 कथाओं का श्रवण कर लिया है। आज हम आखिरी कथा साली ही पिता की कथा का श्रवण करेंगे। साली ही पिता भी नंदिनी पिता श्रावक की तरह श्रावस्ती नगरी के निवासी थे। उनकी पत्नी का नाम फाल्गुनी था। वह एक धनाढ्य और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके पास भी नंदिनी पिता श्रावक की तरह कुल मिलाकर के 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की संपत्ति थी, जिनमें से 4 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अपने भविष्य के लिए सुरक्षित निधान में रखी हुई थी। 4 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने व्यापार में लगा रखी थी और 4 करोड़ की स्वर्ण मुद्राओं से उन्होंने भोग उपभोग की वस्तुएं खरीद रखी थी। उनके पास 10,000 गायों के 4 गोकुल थे। कुल मिलाकर के 40,000 गायों का पशुधन था। साली ही पिता भी आनंद श्रावक की तरह एक वैभवशाली और नीतिनिष्ठ पुरुष थे। उनका भी समाज में वर्चस्व था। समाज के सभी वर्ग के लोग उन पर अटूट विश्वास किया करते थे और हर परिस्थिति में किसी भी परेशानी में उनका सलाह मशवरा लिया जाता था। उनके जीवन में भी भगवान महावीर स्वामी के आगमन के कारण बदलाव हुआ। भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी के बाहर कोष्ठक नामक चक्र में पधारे। नंदिनी पिता श्रावक की तरह साली पिता भी भगवान महावीर की धर्म देशना सुनने के लिए गए। भगवान महावीर की धर्म देशना सुनकर के उनको अध्यात्म जागरणा हुई और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी से श्रावक के 12 व्रत यानी 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत अंगीकार कर लिए और फिर धर्म आराधना पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। तत्पश्चात 14 वर्ष तक उन्होंने अपने आप को अधिकाधिक धर्म आराधना से जोड़ने के लिए सांसारिक व पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और स्वयं धर्म की आराधना में लग गए। उन्होंने श्रावक की 11 प्रतिमाओं की यथाविधि आराधना की। उनकी भी आराधना में किसी भी प्रकार का कोई उपसर्ग या विघ्न नहीं आया। 20 वर्ष तक सम्यक रूप से श्रावक धर्म का उन्होंने पालन किया। आनंद श्रावक की तरह साधनामय जीवन जीते हुए उन्होंने अंत में समाधि मरण को प्राप्त किया और सौधर्म देवलोक के अरुणकील नामक विमान में 4 पल्लुपम की स्थिति वाले देव के रूप में जन्म लिया। इसके बाद वहां से देवायुष्य पूर्ण करके वह महाविद्या क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और संयम की निरातिचार रूप से पालन करके सिद्धि गति को प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमने साली ही पिता श्रावक की कथा का श्रवण किया। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।